का डेकोरेशन है और NTPC उचहार में तिरंग मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर साल ये मेला लगाया जाता है। ये तिरंग मेला में इस बार ये अच्छा एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, जिसमें ओम नमः शिवाय जम्मू कश्मीर के शिवलिंग का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा प्रसंग है। इसमें उत्तर प्रदेश राम मंदिर निर्माण से रिलेटेड भी पिक्चर्स लगाई गई है, बहुत सारा संगम प्रयाग मकर संक्रांति सेलिब्रेशन से लेके सारे रंगों को इसमें सजाया गया है। बिहार के बौद्ध गया मंदिर में बौद्ध का वर्णन किया गया है। पंजाब से रिलेटेड पंजाब दी लोहड़ी कार्यक्रम का भी लिखा गया है। और शरद मेले में जो थीम है अनेकता में एकता, तिरंग मेला 2024 का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की उत्सव जो मनाए जाते हैं भारत में उनका वर्णन इसमें दिखाया गया है। पोंगल है, उसके बाद में साउथ इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको इसमें दिखाया गया है। भारत की संस्कृति जो अनेकता में एकता में विश्वास करती है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो ये एक शॉप है जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देवभूमि हिमाचल प्रदेश भारत का दिल, अपना मध्य प्रदेश, गुजरात, साबरमती आश्रम, सांची स्पूत के बारे में दिखाया गया है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के बीच में राजस्थान का पतंग, गुजरात का पतंग महोत्सव, अलग अलग कल्चर्स सभ्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। ये इस तिरंग मेले की बड़ी खूबसूरती है कि इसमें विभिन्न विभिन्न तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है। ये पतंगों का महोत्सव जो अभी निकला है कुछ दिनों पहले, वो भी इसमें वर्णित किया गया है। कैमल राइड किया गया है, कैमल का बहुत अच्छा चित्र बच्चों के द्वारा बनाया गया है। इस मेले में बच्चों का बहुत खेलने के लिए इसमें झूला का भी लगाया गया है। तिरंग मेले में विभिन्न विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाई गई है, जिसमें कि सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे खाने पाने की दुकानें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत सारे हैं। इसमें सेल्फी पॉइंट दिखाया गया है और कैमल राइड भी कर सकते हैं बच्चे, और हॉर्स राइडिंग का भी प्रोग्राम अरेंजमेंट किया गया है। ये अलग से एक प्रोग्राम रखा गया है इस बार कैमल राइड वाला, और सेल्फी पॉइंट है हमारे यहाँ पर। और दूसरा एक मोटे अनाज के साथ में जो इस्तेमाल करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें बहुत अलग अलग तरह के अनाजों का यहाँ पर दिखाया गया है। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ कि मोटे अनाज का इस्तेमाल वाला भी, मोटे अनाज के इस्तेमाल के लिए जो प्रमोशन किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, वो भी इसमें दिखाया गया है। और ये सेल्फी पॉइंट है जिसमें लोग सेल्फी खिंचवा सकते हैं, बहुत अच्छा ये सेल्फी पॉइंट है जिसमें लोग सेल्फी खिंचवा के एंजॉय करते हैं। लवी उचहार का एक झरने का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें कि लोग वहाँ आके सेल्फी लेते हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य होता है, लोग वहाँ अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, मेमोरीज बनाते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए देख पाते हैं। तो ये प्रोग्राम हमेशा जो उचहार में मनाया जाता है बहुत ही सुंदर है, सभी लोग इंजॉय करते हैं, बच्चे से लेके सारे उम्र के जितने भी लोग हैं वो इंजॉय करते रहते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सभी लोग बहुत कि बहुत आप देखेंगे कितने सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर सारी दुकानों का एंजॉय ले रहे हैं, खाने का पीने का सब चीज़ों का एंजॉय ले, सारी दुकानें हैं। ये एक मोटे अनाज के साथ स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का जो प्रमोशन किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, उसकी एक झांकी है जिसमें कि सभी तरह के अनाजों का इसमें दिखाया गया है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पौधे हैं, लाजवंती, एलोवेरा के फायदे, श्याम तुलसी, लोमन संस्वीरा, अपराजिता, रामा तुलसी, गुलाब तुलसी, सिरे के सारे अलग अलग तरह के अन्य उसके रिलेटेड पौधे, इंसुलिन के, अजवाइन के, अजूबा और बहुत सारे तरह के इसमें सतावर से लेके जेरनियम, मरुआ, पत्थरचट्टा, अश्वगंधा, श्यामा देवी, वक्ष, अतिवला, अपामार्ग के अलग अलग तरह के इसमें झांकी दिखाई गई है, जिसमें ये मोटे अनाज के अलग अलग तरह के हैं। राई है, अजवाइन है, ये व्यवस्था है। कुछ लोग अगर थक जाए तो यहाँ आकर बैठ सकते हैं। इसमें अलग अलग सोफे लगाए गए हैं और हीटर भी हैं, चेयर लगी हुई है, बढ़िया डेकोरेशन किया गया, बहुत सुंदरता है इसमें। और लाइटिंग अरेंजमेंट से लेके सारी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि तिरंग मेले का एक
बड़ा सा पोस्टर है जिसमें ये दिखाया गया है कि भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत देश, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस तरह के अरेंजमेंट हमेशा किए जाते हैं। मेरा 2004 राजस्थान का पश्चिम राजस्थान का वर्णन किया गया है, इसमें पश्चिम राजस्थान की झलकी दिखाई गई है, और इसके साथ साथ इसमें बच्चों के द्वारा जो बनाए गए खिलौने से लेके वहाँ हर एक प्रदेश की संस्कृति को वर्णित किया गया है। इसमें अलग अलग तरह की संस्कृति जो हमारे राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें अलग अलग तरह की संस्कृति है उसको इसमें वर्णित किया गया है। इतना सुंदर सुंदर बच्चों द्वारा जो मेहनत की गई है बहुत सारी, इसमें पावर प्लांट का भी इसमें दिखाया गया है, बहुत सुंदर है ये, जितना भी मेहनत किया गया है इसको बनाने के लिए, हर एक स्टेट का संस्कृति को इसमें दिखाया गया है। ये गुड्डा गुड्डी है, केरल में नौका दौड़ होती है तो नौका का एक वर्णित चित्र है ये, नौका दौड़ दक्षिण भारत संस्कृति को इसमें दिखाया गया है। शिल्पी को वर्णित किया गया है जो हरियाणा में लोग आग बहुत ज़्यादा पीते हैं, राजस्थान में भी इसका इस्तेमाल करते हैं लोग आग, गाँव में लोग आग बहुत पहन जोड़ दो। बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, हॉर्स पे राइडिंग कर रहे हैं, मेले में सारे लोग दो दिन बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय लग रहा है, बहुत अच्छा है लग रहा है, मेले में घूमना फिरना खाओ पियो मस्ती करो सारा एंजॉय करो, बाहर के लोग उनका मेला आज। एक गणेश जी का एक मंदिर स्थापित किया जाता है, उसके उद्घाटन किया जाता है सबसे पहले,